बिहार के अररिया जिले में 18 अगस्त की सुबह एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पत्रकार विमल कुमार यादव को उनके घर में घुसकर गोली मारी। इस घटना के बाद से परिवार वालों का बुरा हाल है। दिवंगत विमल कुमार यादव के छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की खुशी खो चुकी है। पत्रकार के माँ बाप के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो बेटे के जाने के बाद जिंदगी उनके लिए शून्य हो चुकी है। 4 साल पहले जिन्होंने अपना एक बेटा खोया था, उनके घर एक बार फिर पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल पहले खोए हैं बेटा, वो बेटा सरपंच था और अच्छे न्यायिक था, जो कि न्याय के चलते उनका भी हत्या हो गया। उस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं गया, आज तक कोई लाभांश नहीं मिला, न उस पर कोई कार्रवाई अभी तक किया, न फांसी सजा हुई न और कुछ हुई। धड़ल्ले जमानत देती है, अब आकर के घूमता है सामान लेस होकर के, और बराबर धमकी देते रहता था। वो भी बेटा हमारा समाप्त हो गया। 4 साल के दरमियान क्या किया सरकार? कुछ किया? ये सारे परिवार को कैसे हम चला सकें वृद्धावस्था में? सभी लोग बीमार हैं, ये भी बीमार हैं, हम भी बीमार हैं। थोड़ी सी खबर मिलती थी, गाड़ी लेके आता था, ले जाके इलाज करवा फिर घर पहुंचा देते थे। अब हम कौन इस स्थिति से गुजरेंगे? ये बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, ये पत्नी की पालन पोषण कैसे होगी? एक के घायल होने पर तो हमारे सिर पर वो पहाड़ टूटा हुआ था, तो उसको झेलते हुए अभी खींच रहे थे। अब दूसरी पहाड़ जो हिमालय टूट करके सामने आ गया, अब उसको कैसे बर्दाश्त करें? उस तले में तो हम धंसे हुए हैं। अब क्या बचा हमारे पास में, आप ही बताइए। वहाँ का घर उजड़ गया, यहाँ हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, हम क्या कर सकेंगे? जंगल राज की सरकार आज तक न घोषणा किया कुछ, न कुछ मिला है आज तक। विमल कुमार की हत्या की पूरी घटना बताते हुए पत्नी पूजा कुमारी की जुबान कांप उठती है। हम लोग सोए हुए थे, बाहर से आवाज आई, 5 बज रही थी सुबह की। बाहर से आवाज आई, पप्पू भैया दरवाज़ा खोलिए, सुबह हो गई है। तो हम गए, वो बोले कि हम देखते हैं, तुम लोग टिफिन बनाओ, बच्चा को स्कूल भेजो। तो हम दोनों को जगाने के लिए घर गए। खिड़की है थोड़ा अंदर साइड के रूम वाला, वो खिड़की खोलने के लिए गए, थोड़ा दूरी पड़ गया, वो दरवाजे पे निकले। जैसे ही वो निकले, फटफट की आवाज़ आई, तुरंत मार के वो निकल गए। हम दरबार देखे, जैसे आए उसके पास की, तब तक में वो भी मेरे पास आ रहे थे, पूजा गोली हमको मार दिया। नुकसान किसी का नहीं करते थे, नुकसान नहीं करते थे, इसीलिए तो ऐसा हुआ, ज़्यादा इंसान बन के रह गए। आदमी इसको टेप लिया कि अभी कुछ नहीं कर सकता है, किसी को मार नहीं सकता है, मार के हम गिरा भी देंगे तो कोई कुछ करने वाला नहीं है, ज़्यादा इंसान बन गया है। इसको आदमी परख लिया था, अब कोई भाई भी पीठ पे नहीं है कि इसको सेफ करेगा, अकेला है। पत्रकारिता में अपना कमा के खाता है, दबंगई भी नहीं करते थे। पत्रकार है जो कहेगा कि दबंगई करके कमा के खाता है, वो भी इसका लक्षण नहीं था। तो समाज सुधारक के लिए ही इनको जान गंवाना पड़ा। सच्चाई न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसी मेरा दामाद था। ऐसे चला गया। अब मेरी बेटी का दिमाग भी थोड़ा डिस्टर्ब चलता है, कैसे मेरा नात नातिन इस घर में गुजर करेगी, कैसे रहेगी, यही हमको सबसे बड़ी तकलीफ है। तो एक
सुबह आके घर के अंदर से गोली मार दिया। अब क्या करें, जब लोग बाहर से भाग के घर आता है, लेकिन घर से उसको बुला लिया तो अब इससे बढ़के बड़ा घटना क्या होगा? बच्चा को सुरक्षा नहीं होगा तो संतुष्ट क्या रहेंगे? संतुष्ट तो है, 5 साल से 4 साल से संतुष्ट कर रहा है वो। यदि उसको गार्ड देता थी करता था, आज ही हल नहीं होता उसका। घटना को लेकर पत्रकारों में जहां रोष है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस वारदात को 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।